देश में कांग्रेस एक संस्कृति को परिभाषित करती है। ऐसी संस्कृति जिसमें विशेष परिवारों में जन्म लेना ही किसी पद के लिए आवश्यक योग्यता बन जाती है। इस संस्कृति में भाई भतीजों को सत्ता की मलाई बांटी जाती है, जिससे सरकारी तंत्र में नागरिकों को कोई भी काम कराने के लिए घूस देना पड़ता है। दोस्तों, इससे पहले हम आगे बढ़े एक गुजारिश भी करना चाहते हैं। दोस्तों, आपको लगता है कि हम देश हित का काम कर रहे हैं, तो आपसे अनुरोध है कि हमें गूगल पे या पेटीएम के माध्यम से आर्थिक मदद करें। चलिए शुरू करते हैं। आजादी के बाद से कांग्रेसी संस्कृति ने धीरे धीरे पूरी शासन व्यवस्था को ही अपनी गिरफ्त में ले लिया। इसका ज्वलंत उदाहरण 2004 से 2014 के बीच देश में देखने को मिला, जब देश में शिक्षा से लेकर रक्षा के क्षेत्र तक मंत्रियों ने घोटाले किए। आज भी जिन प्रदेशों में कांग्रेस की सरकारें हैं, वहां शासन में भ्रष्टाचार और लापरवाही भरी हुई है। कांग्रेस का पुराना इतिहास है कि वह जनता से किए वादों को पूरा नहीं करती। 1971 में इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का वादा किया था, जो वह कभी पूरा नहीं कर सकी। उसके बाद उनके बेटे राजीव गांधी ने 1985 में वादा किया कि वह भी देश से गरीबी हटा देंगे, लेकिन वह भी पूरा न कर सके। उनके बाद बारी आई उनकी पत्नी सोनिया गांधी की, जो 10 सालों तक गरीबी दूर करने का वादा करती रही। उन्हें जनता ने 2 बार मौका भी दिया, लेकिन वह भी पूरा न कर सकी। कांग्रेस चुनाव जीतने के लिए झूठ, फरेब और छल सभी दांव इस्तेमाल करती है। वह किसानों से लगातार झूठ बोलने का काम करती रही है। 2008 में कांग्रेस ने किसानों से झूठ बोला कि वह कर्ज माफ कर देगी, लेकिन 4 लाख करोड़ रुपए की जगह उसने मात्र 60,000 करोड़ रुपए ही माफ किए। इसमें भी उन लोगों के कर्ज माफ हुए जिन लोगों ने खेती के काम के लिए कर्ज लिया ही नहीं था। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने चुनाव के समय वादा किया था कि वह 1 महीने के अंदर सभी किसानों का 2 लाख रुपए तक का ऋण माफ कर देगी, लेकिन अभी तक किसानों का कोई कर्ज माफ नहीं किया गया है। इन तीनों राज्यों से पहले कर्नाटक में भी चुनाव जीतने के लिए किसानों के कर्ज माफ करने का झूठ बोलकर कांग्रेस सत्ता में आ गई थी, लेकिन वहां भी मात्र 800 किसानों का ही कर्ज माफ हो सका है। कांग्रेस के काम करने का ऐसा तरीका है, करोड़ों किसानों के कुछ पैसे माफ करने में दशकों लगा देंगे और उसमें कई चुनाव जीतने का काम हो जाएगा। यह कांग्रेस की काली करतूतें हैं, जो पर्दे के सामने नहीं दिखाई पड़ती है। पर्दे के सामने तो सिर्फ इस देश की बहू, बेटी और बेटा बताकर गरीब और भोले भाले भारतीयों से वोट झटका जाता है। कांग्रेस जब छल और झूठ से सत्ता पाने का तरीका जानती है, तो वह जनता से किए वादों को पूरा करने के लिए मेहनत भी नहीं करती है और व्यवस्था में जैसा चल रहा है वैसा चलता रहे इसका पूरा प्रयास करती है। इस प्रयास में कांग्रेस अपने इकोसिस्टम के लोगों को सरकारी तंत्र के जरिए भ्रष्ट तरीकों से पैसा कमाने का मौका देती है। ये सभी कांग्रेस के मंत्रियों से मिलकर दलाली का काम करते थे। पिछले कुछ दिनों से मोदी सरकार ने दुबई से क्रिश्चियन मिशेल, दीपक तलवार और संजीव सक्सेना जैसे उन बड़े बिचौलियों को पकड़कर लाई है, जो कांग्रेस के समय में सरकारी दलाली करते थे। कांग्रेस के शासन में वित्त मंत्री रहे पी चिदंबरम और उनका बेटा कार्ती चिदंबरम जिस तरह से विदेशी निवेश करने वाली कंपनियों को सरकारी सहायता पहुंचाने के एवज में दलाली खाते थे, आज वह किसी से नहीं छिपा है। इन दोनों के खिलाफ अदालतों में मुकदमे चल रहे हैं। कांग्रेस में भ्रष्टाचार की गंगोत्री गांधी परिवार भी धन कमाने के लिए भ्रष्ट तरीकों को अपनाता है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने फर्जी कंपनी बनाकर नेशनल हेराल्ड की पूरे देश में फैली 5,000 करोड़ रुपए की जमीन को हड़पने का काम किया, आज ये भी अदालत से जमानत पर चल रहे हैं। सिर्फ कांग्रेस की चेयरपर्सन और अध्यक्ष ही भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है,
बल्कि इस परिवार का दामाद रॉबर्ट वाड्रा तो राजस्थान और हरियाणा के किसानों की जमीनों का लुटेरा निकला। उसने कांग्रेसी शासन में सरकार से मिलकर किसानों की जमीनें सस्ते में खरीद ली और बाद में सरकारी योजनाओं की घोषणा होते ही बड़े बड़े बिल्डरों को सैकड़ों गुना मुनाफे पर बेच डाली। कांग्रेस की संस्कृति में भ्रष्टाचार इस कदर हावी होती है कि सरकारी तंत्र पूरा लापरवाह हो जाता है और आम जनता की दिक्कतों की सुध लेना वाला कोई नहीं होता। 2004 से 2014 के बीच इस देश ने ऐसा दौर देखा है जब समाज का हर वर्ग इस लापरवाही के खिलाफ आंदोलित हो उठा था। आज भी कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में वही हो रहा है। कर्नाटक के उच्च न्यायालय को कहना पड़ा कि वृहद बंगलुरु महानगर पालिका में भ्रष्टाचार चरम पर है और जनता बहुत अधिक परेशान है। एक सर्वेक्षण बताता है कि कर्नाटक में 77% परिवार मानते हैं कि सरकारी तंत्र से कोई भी काम कराने के लिए घूस देना पड़ता है। कांग्रेस का देश पर या किसी राज्य पर जब शासन होता है तो वहाँ की जनता परेशान रहती है, जिसका खामियाजा जनता कांग्रेस को जरूर ही सिखाती है। 2014 में सिखाया था और 2019 में फिर सिखाने वाली है। दरअसल हमारा देश समाज स्वतंत्रता के पश्चात 6 दशकों तक कांग्रेस की विचारधारा से प्रभावित रहा है। राजनीति पर भी कांग्रेस के कल्चर की ही छाया रही है। यही कारण है कि आज भी देश समाज की सुरक्षा से लेकर शुचिता तक सवालों के घेरे में है। भ्रष्टाचार, फर्जीवाड़ा, लूट, घोटाला, अराजकता, विलुप्तीकरण, दंगा, युद्ध, आतंकवाद, कश्मीर मुद्दा, पंजाब मुद्दा, घुसपैठ, भाई भतीजावाद, परिवारवाद, अनगिनत समस्याएं हैं जो कांग्रेस सरकारों की देन है। आइए हम पड़ताल करते हैं कांग्रेस के ऐसे ही कुछ कुकृत्यों की। कांग्रेस ने 60 सालों तक देश को खूब जमकर लूटा है। कांग्रेस की सरकारों के तहत घोटालों की सूची इतनी लंबी है कि कभी खत्म नहीं होती। आत्महित और घोटाले कांग्रेस का हिस्सा बन गए थे। कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए सरकार 2004 से 2014 के कार्यकाल के दौरान तो हमेशा किसी न किसी घोटाले की खबरों में रही है। इस दौरान साल दर साल घोटालों की संख्या बढ़ती ही चली गई। एक आकलन के अनुसार अगर सिर्फ ये घोटाले न हुए होते तो भारत आज विश्व महाशक्ति होता। देखिए प्रमुख घोटालों की सूची और उसकी रकम। कोयला घोटाला 1.86 लाख करोड़ रुपए, 2G घोटाला 1.76 लाख करोड़ रुपए, महाराष्ट्र सिंचाई घोटाला 70.000 करोड़ रुपए, कॉमनवेल्थ घोटाला 35.000 करोड़ रुपए, स्कॉर्पियन पनडुब्बी घोटाला 1100 करोड़ रुपए, अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला 3600 करोड़ रुपए, टाटा ट्रक घोटाला 14 करोड़ रुपए, अगस्ता वेस्टलैंड स्कैम, बोफोर्स घोटाला, नेशनल हेराल्ड घोटाला, जमीन घोटाला, न जाने कितने ऐसे स्कैम हैं जो कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से जुड़े हैं। ये सारे मामले वे हैं जिनमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, दिवंगत राजीव गांधी, रॉबर्ट वाड्रा जैसे नामों से जुड़े हैं। यानी कांग्रेस पार्टी ऊपर से लेकर नीचे तक भ्रष्टाचार के जद में है। क्या देश को इस कांग्रेस का नेतृत्व फिर से स्वीकार्य होगा? 2013 में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उनके राजनीतिक सचिव अहमद पटेल पर इटली की चॉपर कंपनी अगस्ता वेस्टलैंड से कमीशन लेने के आरोप लगे। दरअसल अगस्ता वेस्टलैंड से भारत को 36 अरब रुपए के सौदे के तहत 12 हेलीकॉप्टर खरीदने थे, जिसमें 360 करोड़ रुपए की रिश्वतखोरी की बात सामने आई। बोफोर्स कंपनी ने 1437 करोड़ रुपए के हविट्जर तोप का सौदा हासिल करने के लिए भारत के बड़े राजनेताओं और सेना के अधिकारियों को 1.42 करोड़ की रिश्वत दी थी। आरोप है कि इसमें दिवंगत प्रधानमंत्री राजीव गांधी के साथ सोनिया गांधी और कांग्रेस के अन्य नेताओं को स्वीडन की तोप बनाने वाली कंपनी बोफोर्स ने कमीशन के बतौर 64 करोड़ रुपए दिए थे।
कांग्रेस के पैसे से एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड नाम की कंपनी 1938 में बनी और तीन अखबार चलाती थी, नेशनल हेरल्ड, नवजीवन और कौमी आवाज। 1 अप्रैल 2008 को ये अखबार बंद हो गए। इसके बाद मार्च 2011 में सोनिया गांधी और उनके बेटे राहुल गांधी ने यंग इंडिया लिमिटेड नाम की कंपनी खोली, जिसमें दोनों की 38% से 38% हिस्सेदारी थी। इस मामले में सोनिया और राहुल के विरुद्ध संपत्ति के बेजा इस्तेमाल का केस दर्ज कराया गया। 2012 में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पत्नी सोनिया गांधी और उनके दामाद रॉबर्ट वाड्रा पर रियल एस्टेट कंपनी डीएलएफ से 65 करोड़ का ब्याजमुक्त लोन लेने का आरोप लगा। बिना ब्याज पैसे की अदायगी के पीछे कंपनी को राजनीतिक लाभ पहुंचाना उद्देश्य था। यह भी सामने आया है कि केंद्र में कांग्रेस सरकार के रहते रॉबर्ट वाड्रा ने देश के कई हिस्सों में बेहद कम कीमतों पर जमीनें खरीदी। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और उनके बेटे संजय गांधी को यात्री कार बनाने का लाइसेंस मिला था। 1973 में सोनिया गांधी को मारुति टेक्निकल सर्विसेज प्राइवेटली का एमडी बनाया गया, हालांकि सोनिया के पास इसके लिए जरूरी तकनीकी योग्यता नहीं थी। बताया जा रहा है कि कंपनी को इंदिरा सरकार की ओर से टैक्स फंड और जमीन को लेकर कई छूटें मिलीं। कलकत्ता के उद्योगपति हरिदास मुंदरा को स्वतंत्र भारत के पहले ऐसे घोटाले के बतौर याद किया जाता है। इसके छींटे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर भी पड़े। दरअसल 1957 में मुंदरा ने LIC के माध्यम से अपनी 6 कंपनियों में 12 करोड़ 40 लाख रुपए का निवेश कराया। यह निवेश सरकारी दबाव में LIC की इन्वेस्टमेंट कमेटी की अनदेखी करके किया गया। तब तक LIC को पता चला उसे कई करोड़ का नुकसान हो चुका था। इस केस को फिरोज गांधी ने उजागर किया, जिसे नेहरू खामोशी से निपटाना चाहते थे। उन्होंने तत्कालीन वित्त मंत्री टीटी कृष्णामाचारी को बचाने की कोशिश भी की, लेकिन उन्हें पद छोड़ना पड़ा। भारत के विभाजन के समय इसका हल निकाल पाने में जवाहरलाल नेहरू की असफलता की देश भारी कीमत चुका रहा है। तब न तो दिल्ली में नेहरू सरकार और न ही श्रीनगर में शेख अब्दुल्ला सरकार कभी इस बात को मान सका कि जम्मू कश्मीर का भारत में पूरी तरह एकीकरण करने की जरूरत है। अनुच्छेद 370 एक अस्थाई प्रावधान है, जिसे अब तक क्यों कायम रखा गया है, यह भी एक सवाल है। 1971 में भी भारत ने कश्मीर मुद्दे को हल करने का मौका गवा दिया था। 1990 में हिंदुओं के नरसंहार के बाद की चुप्पी ने तो कट्टरपंथियों के हौसले को नए उत्साह से भर दिया था। मुस्लिम विलुप्तिकरण के नाम पर कांग्रेस हमेशा से हिंदू विरोध की मानसिकता से ग्रस्त रही है। जिस तरह की हिंदू विरोध की भाषा कठमुल्ले बोलते हैं, ठीक उसी की भाषा अब कांग्रेस के मंत्री भी बोलते हैं। मुस्लिम प्रेम में कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व हिंदुओं के प्रति विश्वमन को अनसुना करती रही है। दरअसल यह कांग्रेस की रणनीति है कि मुसलमान वोट उनसे जुड़े रहें। इसी विलुप्तिकरण का नतीजा है कि संविधान संशोधन कर धर्म निरपेक्ष शब्द जोड़ दिया गया। केरल में कांग्रेसी नेता ने खुलेआम गाय का वध किया। 1984 का दंगा तो कांग्रेस पार्टी की असहिष्णुता की स्मारक के तौर पर है। हजारों सिखों को कांग्रेसियों ने किस तरह मौत के घाट उतार दिया था। 1989 का भागलपुर दंगा तो कांग्रेस की कथनी और करनी का भारी अंतर दिखाता है। किस तरह कांग्रेस की सरकार के नाक के नीचे वहां लोगों का कत्लेआम किया गया था। 1992 का मुंबई के दंगे में कांग्रेसियों के कारनामे भूले जा सकते हैं क्या? 17 दिसंबर 2010 विकिलीक्स ने राहुल गांधी की अमेरिकी राजदूत टिमोथी रोमर से 20 जुलाई 2009 को हुई बातचीत का एक ब्यौरा दिया। राहुल गांधी की जो बात सार्वजनिक हुई उसने देश के 100 करोड़ हिंदुओं के बारे में राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस पार्टी की सोच को सबके सामने ला दिया।
राहुल ने अमेरिकी राजदूत से कहा था, भारत विरोधी मुस्लिम आतंकवादियों और वामपंथी आतंकवादियों से बड़ा खतरा देश के हिंदू हैं। जाहिर तौर पर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी हिंदुओं को कटघरे में खड़ा करने का कोई मौका नहीं चूकती। कांग्रेस हमेशा ही देश की 20 करोड़ की आबादी को खुश करने के लिए 100 करोड़ हिंदुओं की भावनाओं से खिलवाड़ करती रही है। भगवा आतंकवाद और हिंदू आतंकवाद जैसे शब्द कांग्रेसी सोच की ही उपज है। इस कृत्य में कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व भी शामिल रहा है। जाहिर है देश की जनता इतना तो अवश्य समझती है कि देश हित किसमें है।